लोग बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार पर, विरोधाभास पर। कुछ पढ़ा रहे थे क्या? हाँ, अच्छा, उदाहरण अलंकार बता दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, दृष्टांत अलंकार और अर्थांतर न्यास में अंतर क्या है? दृष्टांत अलंकार और अर्थांतर न्यास, अलंकार। उदाहरण अलंकार में भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, दृष्टांत में भी प्रस्तुत किया जाता है और अर्थांतर न्यास में भी प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण अलंकार में जब आता है तो जस उतस, जैसे तैसे वैसे, ये सब आ जाता है। दृष्टांत में भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और अर्थांतर न्यास में भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसमें कोई वाचक शब्द नहीं आता, जस उतस, जैसे तैसे, ये सब नहीं आता। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम दोनों का अंतर कैसे क्लियर कर पाएंगे, इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, उदाहरण देकर किसी बात को प्रमाणित किया जाता है, उदाहरण का प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा इसमें अपनी बात बताने के लिए, उसमें उदाहरण का प्रभाव उस पर सकारात्मक रूप में पड़ेगा। यह प्रभाव कैसा रहता है? सकारात्मक रहता है। मैं एक वाक्य बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिख दिया रहीमन ओछे नरनते, तजौ बैर अरुप्रीति, प्रीत है प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहू भांति, दुहू भांत विपरीत, विपरीत दोहों भांत विपरीत। ये देखिए, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, रहीम दास जी कहते हैं हमें दुष्ट मनुष्यों का साथ छोड़ देना चाहिए। तजव बैर अरुप्रीत, इनके साथ अपनी शत्रुता और मित्रता दोनों को समाप्त कर देना चाहिए। काटे चाटे स्वान के दोहों भांत विपरीत, क्योंकि इनका स्वभाव कुत्ते के समान होता है। कुत्ता चाहे काटे अथवा चाटे, दोनों ही प्रकार से मनुष्य को नुकसान पहुंचता है। यहां काटने और चाटने का प्रभाव पड़ रहा है। काटने पर मनुष्य को इंजेक्शन लगेगा और चाटने पर बेइज्जती होगी। बोलिए, तो कहने का मतलब यह है, यहां कुत्ते के काटने और चाटने का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ना। काटने से इंजेक्शन लग रहा है, रेबीज रोग हो जाएगा उसे अगर नहीं लगवाएगा इंजेक्शन तो, और चाटने से उसकी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहां काटने और चाटने
इन दोनों क्रियाओं का प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा ना, तो जब पड़ेगा तो दृष्टांत अलंकार होगा, अगर नहीं पड़ेगा तो अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। एक और उदाहरण देखिए, रहीमन असुआ नयन ढरी, जी दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कहि दे, ध्यान दीजिएगा इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। वाचक माने समझ रहे हैं ना, जैसे तैसे ऐसे वैसे इन सबका। यहां ध्यान दीजिएगा, रहीमन असुआ नयन ढर जी दुख प्रकट करे, रहीम दास जी कहते हैं नेत्रों से आंसू निकलकर हृदय का दुख प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारो गेहते कसन भेद कह दे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाता है वह अपने घर का भेद दूसरों के सामने क्यों नहीं प्रकट कर देगा, प्रकट कर देगा। यहां पर घर का भेद दूसरों को बताना, घर से निकालने के परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने घर का भेद दूसरों से बता दिया ना, प्रभाव सकारात्मक हो गया। अगर नहीं बताता तो कौन सा अलंकार होता, अर्थांतर न्यास होता। सकारात्मक प्रभाव रहेगा तो दृष्टांत होगा, नकारात्मक प्रभाव रहेगा तो अर्थांतर न्यास होगा। जैसे मैंने कह दिया, बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहने ओ गढ़े ओ न जाए। बिहारी लाल जी कहते हैं कोई व्यक्ति बड़े नाम से बड़ा नहीं बनता है, भले ही उसका नाम कितना ही बड़ा क्यों न हो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से धतूरे को भी कनक कहा जाता है लेकिन उससे गहना नहीं गढ़वाया जा सकता, यहां धतूरे से गहना नहीं गढ़वाया गया, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो नकारात्मक पड़ेगा तो क्या होगा, अर्थांतर न्यास होगा। एक और उदाहरण देखिए, मैं बोल रहा हूं, मैंने कह दिया जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं जो लोग श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं बुराई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सैकड़ों विषधर सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन उनके विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता है, यहां सांप के विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ा, यह नकारात्मक प्रभाव है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया। जब प्रभाव नकारात्मक होगा तो अर्थांतर न्यास होगा, प्रभाव सकारात्मक होगा तो दृष्टांत होगा। मुझे लगता है समझ गए होंगे, ये भी देख लीजिए, इसमें भी उदाहरण दे के बात बताई जाएगी। उदाहरण देकर किसी बात को प्रमाणित किया जाता है। वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता,
उदाहरण का प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। अब मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं, जरा मुझे बताइए किसमें कौन सा है। वृक्ष कबहू नहीं फल भखाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष यहां अपना फल खा नहीं रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव, और पानी अपना जल संग्रह नहीं कर रही है। अगर यही कर लेती तो दृष्टांत हो जाता, नहीं की इसलिए अर्थांतर न्यास हो गया। नकारात्मक प्रभाव रहेगा तो अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। यहां मैंने स्पष्टता लिख दिया है, जैसे बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाय, कहत धतूरो सो कनक, गहन्यो गढ़्यो न जाए। यहां देखिए बिहारी लाल जी कहते हैं, कोई व्यक्ति बड़े न हुजे बड़ा नहीं होता है गुणन बिन, बिना गुणों के। बिरद बड़ाई पाए, भले ही उसके नाम को बहुत बड़ा बड़प्पन क्यों न प्रदान कर दिया जाए। बिरद माने बहुत बड़ा, बहुत। कहत धतूरो सो कनक, जिस प्रकार से धतूरे को कनक कहा जाता है, लेकिन गहने और गढ़े न जाए, लेकिन उससे गहना नहीं गढ़ाया जा सकता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, वाचक नहीं रहता, दोनों में वाचक नहीं रहता, दोनों में यही एक ही तो अंतर है। प्रभाव उदाहरण का नकारात्मक रहेगा तो अर्थांतर न्यास, और सकारात्मक रहेगा तो दृष्टांत, वो समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं आपको इतने उदाहरण लिखवा दे रहा हूं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, रहीमदास जी कहते हैं जो लोग श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं, बुराई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सैकड़ों विषधर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उनके विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता है। यहां प्रभाव नहीं पड़ा इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया। अगर यही विष का प्रभाव पड़ जाता तो दृष्टांत अलंकार हो जाता, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितनी रटने वाली चीजें हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, मुहावरा, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उन सब चीजों की सीट मैं नीचे अवेलेबल करवा दे रहा हूं, आप उसको ले लीजिएगा। दुनिया की कोई परीक्षा होगी उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर उतना आपने तैयार कर लिया। आपको मुझे लगता है कि अभी टाइपिंग वाइपिंग होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो वो लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे,
हो सकता है दीपावली के बाद आपको मिल जाए। आज मैंने चार टॉपिक दे दिया है, तो कहने का मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि आप यहां से पूर्ण तैयारी करके जाइए और सारे टॉपिक तैयार करके जाइए, जिससे कहीं से क्वेश्चन बनते हैं तो आ जाए। तो उसमें मैंने अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं सबका कलेक्शन तैयार किया है, चाहे वो पर्यायवाची रहा हो। पर्यायवाची के लिए आप लोग परेशान रहते हैं कि नहीं मिलता नहीं मिलता, इतना पर्यायवाची का कलेक्शन दे दिया हूं उसमें कि आपको याद तो हो जाता है लिख करके अगर पढ़ेंगे तो, इतना दे दिया हूं कि उसके बाहर से कहीं से पूछने की कोई उम्मीद ही नहीं। तो आप उसको पढ़िएगा, आपके लिए पर्याप्त मैटर है। केवल यूपीएसआई की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की कोई परीक्षा अगर हिंदी में होती है तो उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर उतना आपने तैयार कर लिया तो। एक ही जगह पर सारी चीजों का मैंने कलेक्शन कर दिया है, तो आप उसको पा जाएंगे और मुझे लगता है कि दीपावली के बाद ही आपको मिल पाएगा। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहां से जाएं तो बहुत कुछ ले कर जाएं। और जब कभी दूसरी बार हमारी आपकी मुलाकात हो तो आप यूपीएसआई के पद पर आसीन रहें, यह मेरी शुभकामना है आप लोगों से। जिसका जो लक्ष्य है अपने उस लक्ष्य को हासिल करें। आगे बढ़ें, हेडिंग डाल दीजिए अतिशयोक्ति अलंकार। तद्भव तत्सम में आपको ज्यादा दिक्कत होती उसकी भी सीट मैंने दे दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप उतना अगर दो बार सरसरे तौर पर पढ़ लेंगे तब भी याद हो जाएगा, अगर एक बार दो बार आप किसी चीज को देखते हैं तो परीक्षा हाल में अपने आप याद आ जाती है। तो आप पूरे मनोयोग के साथ अपनी तैयारी करिए। अभी तो आपके यूपीएसआई की परीक्षा का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो अगर आ जाएगा और आपको तैयारी करने की मुझे लगता है अब कोई आवश्यकता नहीं है, और न तो आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत है, इतना मैटर आपके लिए पर्याप्त है। आगे हम बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। ध्यान दीजिएगा, दो अलंकार होते हैं, एक अतिशयोक्ति होता है और एक अत्युक्ति होता है। अत्युक्ति अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, दोनों में अंतर होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, लेकिन उसमें काल्पनिकता का भी पुट रहता है, कल्पना भी उसमें की गई रहेगी। अतिशयोक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरबोल, और अत्युक्ति अलंकार को अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिजरेशन। अत्युक्ति अलंकार में क्या होता है, सफेद झूठ बोला जाता है, उसमें कोई कल्पना नहीं की जाएगी और ऐसे बोला जाएगा जैसे सुनने से ही लगेगा कि झूठ है, जैसे लक्ष्मण के चलने से पृथ्वी डोलने लगी, रावण ने पैर रखा तो पृथ्वी कई फीट नीचे चली गई। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। और अगर हम जो है ऐसी कल्पना करें जिसमें झूठ भी हो और काल्पनिकता भी हो, जैसे उपमान भी हो, चंद्रमा आदि को या किसी आदि को इस तरह से उपमान बना करके किया जाए जिसमें काल्पनिकता के साथ साथ झूठ का समावेश हो, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है ना, मैं अभी आपको एक दो उदाहरण से समझा देता हूं, तो ये जानते रहिएगा। इसमें किसी चीज का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वर्णन में काल्पनिकता का भी समावेश होता है।
जैसे हमने यहां लिख दिया एक उदाहरण में मैं लिख रहा हूं पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुपास नित प्रति पुण्यो ही रहत आनन ओप उजास बिहारी लाल की पंक्ति है और बराबर परीक्षाओं में पूछी जाती है इसलिए मैंने इसको लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक नायिका है, पद्मिनी नायिका है, अत्यंत गौर वर्ण की है। जिस घर में नायिका रहती है यह घर है और ये पड़ोसी लोग हैं। नायिका का चेहरा एलईडी बल्ब के समान चमक रहा है, इतनी गोरी है कि घर के तो बाल बच्चे तो पढ़ ही ले रहे हैं उसके प्रकाश, पास पड़ोसी भी आनंद ले रहे हैं। आपको मैं बताऊं, इधर देखिए, यह नायिका का चेहरा है, प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। ये देखिए, और नायिका के चेहरे के आभा से तेज से यहां हमेशा लगा रहता है कि पूर्णमासी का चांद उगा हुआ है, हमेशा। पंडित बेचारे बड़े टेंशन में आ गए कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है। उधर जब देखते हैं तो यही नहीं समझ में आता कि आज जो है चांदनी रात है कि अंधेरी रात है। तो जो लोग पंडित जी से पूछने के लिए आते हैं कि पंडित जी बता दीजिए शुक्ल पक्ष चल रहा है कि कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वो अपने अनुभव से फायदा नहीं उठा पा रहे। उधर देखने पे तो हमेशा पूर्णमासी का चांद उगा रहता है, तो ऐसे में पंडित बेचारे क्या कर रहे हैं, पत्रा देखते हैं। तो पत्रा ही तिथि पाइए, पत्रा देख करके तिथि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह घर के चहुपास उस घर के चारों तरफ, पंडित लोग उस घर के चारों तरफ पत्रा देख करके तिथि का ज्ञान कर पाते हैं कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है। नित्य प्रतिपुण्यो ही रहत, क्योंकि रोज ही वहां पूर्णमासी का चांद उगा रहता है। आनन ओप उजास, नायिका के चेहरे के तेज के चमक से, नायिका के मुख के चमक से वहां रोज पूर्णमासी रहती है। और इसलिए जब पंडित लोगों को उधर देखना होता है, कोई पूछता है कि पंडित जी बताइए पूर्णमासी है ये चांदनी रात है कि अंधेरी रात है, तो पंडित लोग वहां देख करके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उनको पत्रा देखना पड़ रहा है। इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं यानी। तो आप यहां देखिए, नायिका का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पूरा गांव थोड़े प्रकाशित कर देगी। और ऐसा भी नहीं है कि बल्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताइए गलत कह रहे हैं। और नहीं तो चार छह दस लोग, चार छह दस नायिकाएं ऐसी हो जाएं तो न गांव में कभी जनरेटर की जरूरत पड़ेगी और न इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, ये केवल कल्पना की गई है। तो पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चौपास नित प्रतिपुण्यो ही रहते आनन ओ पूजास, उस घर के चारों तरफ
तिथि का ज्ञान करने के लिए पंडित लोग पत्रा देख करके तिथि का ज्ञान कर पाते हैं, क्योंकि रोज ही वहां पूर्णमासी रहती है नायिका के चेहरे के तेज की चमक से। तो इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है और इसमें काल्पनिकता भी है, कल्पना का सहारा लिया गया है कि नायिका कितनी गौरवर्ण की है, कितनी सुंदर है कि उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे चांदनी रात खिली हुई है कि नहीं। एक उदाहरण और देखिए, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर भयन केते जगत के चितब चितेरे कूर। दुनिया के बड़े बड़े चित्रकार जिनको अपने चित्र बनाने पर बड़ा अभिमान था, जो सोचते थे कि मैं दुनिया में किसी का भी चित्र बना सकता हूं, राजा मिर्जा जयसिंह ने एक बार उनको अपने दरबार में आहूत किया और खुली प्रतियोगिता करवा दी। हमेशा याद रखिए, हो सकता है परीक्षा में आपके पूछा जाए किशोरावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को कहा जाता है वयसंधि। क्या कहा जाता है? वयसंधि। चाहे कोई भी स्त्री हो, एक ऐसी उम्र होती है जब उसका सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और यह उम्र होती है 15 से 16 के बीच की। पहले के जमाने में स्त्रियां 16 साल में युवती हो जाती थी, अब के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब, इधर देखिए, 15 से 16 साल की जो ये उम्र होती है, कोई लड़की कैसी भी हो, काली कलूटी लंगड़ी मूली कैसी भी हो, लेकिन इस उम्र में ध्यान दीजिएगा, इस उम्र में रोज उसका सौंदर्य बढ़ता जाता है और इसको कहा जाता है अभिराम सौंदर्य। क्या कहा जाता है? अभिराम सौंदर्य। और इसी को वयसंधि कहा जाता है। एक पैर किशोरावस्था में रहता है और दूसरा पैर जवानी की दहलीज पर रहता है। तो कहने का मतलब, इस स्थिति को वयसंधि कहा जाता है, कवियों ने इसे वयसंधि का नाम दिया है। इस उम्र में सौंदर्य हमेशा बढ़ता ही जाता है और 16 साल के बाद वह सौंदर्य स्थिर हो जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, घनानंद अभिराम सौंदर्य से युक्त ज्यादातर पद्मिनी नायिकाएं होती, जैसे पद्मावती थी, राधा थी, सीता थी, और सुजान, ये घनानंद जिस वेश्या से प्रेम करते थे उसका नाम सुजान था, वह भी पद्मिनी नायिका थी। घनानंद जी सुजान के बारे में लिखते हैं, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, त्यों इन आंखिन बानी अनोखी कहूं नहीं आन तिहारिये। कि हे सुजान, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, तुम्हारे चेहरे की एक अलग ही आभा है, मैं जितनी बार उसे देखता हूं उतनी बार वह नया लगता है, उतनी बार उसमें नयापन दिखता है, और मेरी आंखें जितनी भी बार देखता हूं उन्हें देख करके कभी आघात ही नहीं, कभी संतुष्ट नहीं होती हैं, और हमेशा निर्निमेष भाव से उसे देखने का मन करता है। आप सोचिए, बराबर देखते 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 आंखें धुंधली पड़ जा रही हैं, लेकिन देखना नहीं छोड़ रहे हैं, बताइए। तो ये मतलब नायिका का सौंदर्य है। यहां भी वही चीज है, राजा मिर्जा जयसिंह ने एक वयसंधि वाली नायिका का चित्र बनाने के लिए कहा चित्रकारों से।
चित्रकार ऐसे चित्रकार जो अपने आप पर बहुत अभिमान रखते थे, सोचते थे कि दुनिया में मैं किसी का भी चित्र बना सकता हूं। लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, और एक नायिका वहां पर बैठा दी गई तिरछी चितवन से, ऐसे करके देख रही थी और उसी पोज में चित्र बनाना था। चित्रकार लोगों ने देखा और देखते देखते उन्हें मोहावस्था ने घेर लिया, मोहित हो गए। नायिका की तिरछी चितवन ने उनको चित्त कर दिया। भाई ज्यादा देर तक किसी को देखेंगे तो प्रेम हो जाएगा, और वहां भी यही हुआ। एक बार नायिका को उन लोगों ने देखा और सोचा कि मैं चित्र बना दूं, तो चित्र बनाने के लिए तूलिका हाथ में आ ही नहीं रही है, तो मन कर रहा है बस देखता ही जाऊं। तो इधर देखिए, जो चित्रकार आए हुए थे उन लोगों ने वह संधि वाली नायिका का चित्र बनाना शुरू किया। एक बार मन भर कर देख लिया, सोचा मैं चित्र बना देता हूं, मुख बना दिए, और जब सोचे एक बार फिर देखूं तो दोबारा देखते हैं तो और सुंदर चेहरा, पन्ना फाड़ के फेंक दिए, दूसरा पन्ना, फिर बना, एक बार देख करके देख रहे हैं फिर चेहरा बदल गया और सुंदर दिखने लगा। अपने अंदर संतुष्टि का भाव नहीं आ रहा है कि मैं सही चित्र बना रहा हूं कि नहीं। तो जितनी बार वो चित्र देख, जितनी बार नायिका को देखते थे, नायिका उतनी ज्यादा सुंदर दिखाई देती थी। इसलिए जितने भी बड़े से बड़े चित्रकार थे वो नायिका का चित्र बना नहीं पाए और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उसी बात पर यहां पर लिखा गया है, लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर। लिखन बैठ चित्र बनाना शुरू किया, दुनिया के बड़े बड़े चित्रकारों ने तिरछी चितवन वाली नायिका का चित्र बनाना शुरू किया। गही गही गर्भ गरूर, जो लोग अपने ऊपर बहुत अहंकार किया करते थे, भय न कहते जगत के, संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं बना पाया। चितब चितेरे क्रूर कूर, नायिका की तिरछी चितवन से देखती हुई तस्वीर को, नायिका की तिरछी चितवन से देखती हुई तस्वीर को कोई भी दुनिया का चित्रकार बना नहीं पाया, और बनाने से पहले धराशायी हो गया। आप समझ सकते हैं कि यहां भी अगर भाई बड़े से बड़ा चित्रकार है तो किसी का भी चित्र बना सकता है, लेकिन नायिका का चित्र नहीं बना पाया, क्योंकि जब चित्र बनाता था तो नायिका वह संधि में थी और उसका पल प्रतिपल सौंदर्य बढ़ता जा रहा था। यहां भी काल्पनिकता का जबरदस्त मिश्रण किया गया है, क्योंकि कोई भी स्त्री कितना भी सुंदर लगे और रोज उसका सौंदर्य बढ़ता रहे, लेकिन पल पल नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? लिख लीजिए, आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार पर। और अलंकार का नाम है असंगति अलंकार। बहुत ज्यादा पूछता है परीक्षा में असंगति अलंकार। हम तीन चार अलंकारों पर और चर्चा करना चाहते हैं, जिससे कि आपका छूटने ना पाए अगर पूछे तो। एक आपको असंगति पढ़ा दे रहे हैं, मानवीकरण पढ़ा दे रहे हैं, और संदेह और भ्रांतिमान पढ़ा दे रहे हैं, विरोधाभास पढ़ा दे रहे हैं। इतने अलंकार पढ़ा देंगे तो हम काफी हद तक संतुष्ट हो जाएंगे कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे समास, इसको मिटा दें। असंगति अलंकार के केवल दो उदाहरण आते हैं परीक्षाओं में ज्यादातर। पहले तो हम जान ले असंगति अलंकार होता क्या है। असंगति अलंकार जहां पर कार्य कारण तथा प्रभाव में कोई मेल नहीं होता, वहां
असंगति अलंकार होता है। इसका मतलब किसी चीज का कारण कुछ और हो, कार्य कहीं और हो, प्रभाव कहीं और पड़े। इसमें दो उदाहरण बहुत जबरदस्त है, मैं आपको पहला उदाहरण देता हूं। जैसे दृग उर्झट टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। आम तौर पर यह माना जाता है कि कोई चीज जहां से टूटती है वहीं से जोड़ी जाती है, और जहां से जोड़ी जाती है वहीं गांठ पड़ता है ना, ऐसा होता है। लेकिन प्रेम के संसार की रीति बड़ी निराली है। दृग उर्झत, यहां उलझते प्रेमी और प्रेमिका के नेत्र, आंखें चार होती है। टूटत कुटुंब, और प्रेमी प्रेमिका के नेत्र जब आपस में टकराते हैं तो टूटता क्या है? परिवार। परिवार में विसंगति आ जाती है। लड़के लड़की दोनों तैयार हो जाएंगे, शादी कर लेंगे, नहीं तो ट्रेन की पटरी के नीचे कट जाएंगे। उनके मां बाप नहीं राजी हैं तो उनके मां बाप नहीं राजी। और कभी कभी तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्रेमियों को देखा है जिन्होंने बलिदान दे दिया। तो कहने का मतलब यह है, दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति। प्रेम के संसार में उलझते नेत्र हैं, टूटता परिवार है, जुरत चतुरचित प्रीति, और जुड़ता दो चतुर हृदयों का प्रेम है। नेत्र एक दूसरे से टकराए, दोनों में प्रेम हो गया, और उस प्रेम ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया, और परिवार में बड़ी विसंगति उत्पन्न हो गई। एक के माँ बाप राजी हुए तो दूसरे के नहीं हुए, और ऐसी स्थिति में लड़के और लड़की दोनों को जो है घर से निकाल देने का प्लान बना लिया गया। लेकिन फिर भी दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कसम खाई, और इसलिए दोनों का प्रेम क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। यहां आप देखिए, जो चीज जहां उलझ रही है वहां नहीं टूट रही है। उलझ तो नेत्र रहे हैं, और टूट परिवार रहा है, और जुड़ क्या रहे हैं? दो चतुर हृदयों के प्रेम, हृदय दो चतुर हृदय जुड़ रहे हैं। और परति गांठ दुर्जन ही ये, और गांठ कहां पड़ रही है? दुष्टों के हृदय में, जो लोग ये नहीं चाहते कि प्रेमी प्रेमिका एक साथ मिल जाए, खलनायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, जैसे दो लोग प्रेम करते रहते हैं तो सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, वो एक तो गांव कहावत नहीं कही जाती, न खेलब न खेले दे, खेलोए बिगाड़ा। तो सोचते हैं हम भले नहीं पाएंगे, इसको भी नहीं पाने देंगे। वही चीज यहां भी हो गया है अब। लेकिन दोनों ने क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया, शादी के बंधन में बंध गए। तो जो लोग इनको देख करके आहें भरा करते थे कि हमारी हो जाए हमारी हो जाए, उनकी क्या स्थिति हो गई है? उनके हृदयों में गांठ पड़ गई। अब करें क्या बेचारे, अफसोस करने के अलावा? दई नई यह रीति, हे ईश्वर आपके इस प्रेम के संसार की यह रीति बड़ी नई और अद्भुत है। तो दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति। नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं, उनका परिवार टूटता है,
और दो चतुर हृदयों का प्रेम जुड़ता है और गांठ दुष्टों के हृदय में पड़ती है। हे ईश्वर, आपके संसार की यह कैसी नई परंपरा है, कैसी नई रीति है। आप यहां देख सकते हैं, अभी धागा ही है। अगर मान लीजिए जहां से उलझेगा धागा वहीं से टूटना चाहिए ना, और जहां से टूटेगा यहीं से जोड़ा जाएगा और यहीं गांठ पड़ेगी। यहां उलझ क्या रहा है, नेत्र। टूट क्या रहा है, परिवार। और जुड़ क्या रहा है, दो चतुर हृदय। और गांठ कहां पड़ रही है, दुष्टों के हृदय में। तो हो कुछ रहा है, कारण उसका कुछ और है, प्रभाव उसका कहीं और पड़ रहा है। तो यह आपका असंगति अलंकार का एक उदाहरण था। और एक उदाहरण मैं और आपको बताने चल रहा हूं। क्या बसिए क्यों निबहिए, नीति नेह पुर नाही, लगा लगी लोइन करें, नाहक ही मन बध जाए। अरे एक मिनट, इसको बता दे। क्यों बसिए क्यों निबहिए, नीति नेह पुर नाही। बिहारी लाल जी कहते हैं, कैसे बसा जाए, कैसे निर्वहन किया जाए। गांव का नाम तो प्रेमपुर है, नेहपुर माने प्रेमपुर। नीति नाही, लेकिन वहां प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। लगा लगी लोइन करें, देखा देखी तो आंखें करती हैं। लोइन माने आंख। देखा देखी तो आंखें करती हैं, नाहक ही मन बध जाए। और व्यर्थ में ही बेचारा मन बध जाता है। माने क्या कहा जाता है उसको, कि बदनामी कार्य तो आंखें कर रही हैं और बदनाम बेचारा फालतू में दिल हो रहा है। तो वही चीज यहां भी है, देख आंखें रही और बदनाम कौन हो रहा है, दिल। बध रहा है दिल और देख रही हैं आंखें। तो लगा लगी लोइन करे, लगा लगी माने गुत्थम गुत्था। तो लगा लगी, देखा देखी आंखें कर रही हैं। तो जो चीज जो है गुत्थम गुत्था हो रही वही जुड़ना चाहिए ना। लेकिन यहां गुत्थम गुत्था तो आंखें हो रही हैं, लेकिन जुड़ क्या रहा है, बद क्या रहा है, मन। तो यहां भी देखिए कार्य कहीं और हो रहा है और उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है। यह भी आपका संगति अलंकार का बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण था। इसको भी आप लिख लीजिए शेष कल।